सम्मानित नागरिकों नमस्कार, मैं प्रवीण मिश्रा उपस्थित हो गया हूँ एक नया टॉपिक को लेकर। और आज का विषय है वर्षाकालीन तैयारी के बारे में। मानसून सीजन की शुरुआत हो चली है और दक्षिण पश्चिम मानसून अब मध्य भारत से आगे की ओर बढ़ना शुरू हो गया है। और इसी संदर्भ में यदि बात किया जाए तो दिल्ली NCR में भी बादलों ने अपना बसेरा बना लिया है। बादलों को देखकर काफ़ी मन हर्षित भी हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि मानो आपसे भी ये हम अपनी जुबानी बयां करें। वर्षाकालीन एक नई खुशहाली को लेकर आता है और इसी के साथ गर्मी का जो प्रचंड वेग है वो अब कम होने भी लगा है। इसके साथ साथ यदि वर्ष भर तक खुशहाली की बात करते हैं तो ये समय काफ़ी अनुकूल होता है और अपनी बगिया की तैयारी के लिए एक अच्छा संदेश को भी लेकर आता है। वर्षाकालीन समय में हम लोग अपनी बागवानी को समृद्ध कर सकते हैं और इससे संबंधित कुछ सुझाव है। इन सुझावों पर यदि आप अमल करते हैं, काम करते हैं तो आपकी बगिया भी बहुत ही अच्छी चलेगी। खास करके वर्षा काल की जब शुरुआत हो चली है तो आप मान के चलिए कि अब 4 महीने के लिए ऐसा ही माहौल और मौसम बना रहेगा, जिससे कि हम अपनी बगिया में वर्षा काल को आसानी से इंजॉय कर सकें, वर्षा काल के समय को इंजॉय कर सकें और पेड़ पौधों के बीच अपनी एक नई दुनिया बसा सके, जबकि गर्मी का प्रचंड वेग के कारण बहुत सारे पौधे हमारे ख़राब हो चले थे। इसके साथ साथ अब यह संदेश भी आ गया है कि बागवानी से संबंधित सर्वप्रथम काम आपको ये करना है कि अपने बगिया के क्षेत्र में साफ सफाई की शुरुआत कर दें। बहुत सारे ऐसे पुराने पेड़ पौधे जो ख़राब हो चले हैं उनमें आप देखेंगे कि गमले ख़राब हो गए हैं या पौधे ख़राब हो गए हैं, उन सभी को निकाल कर एक सुरक्षित जगह में जहाँ ज़्यादा पानी ना लगे उस जगह में उन मिट्टी को जमा कर दें और बाकी साफ़ सफाई गमले की सफाई करते हुए अपनी बगिया में आने वाले सीजन की भी तैयारी कर लें। दूसरा मुख्य बिंदु है कि यदि आपके पास बीज लाने की ज़रूरत लगती है, कुछ आप जब किचन गार्डन की ओर आगे बढ़ते हैं तो आप सबसे पहले बाज़ार जाकर जो कुछ लगाने का है कुछ एक 10 पौधों को प्लान कर सकते हैं अपने सब्जियों को लगाने के लिए और उनके बीज ज़रूर से ले आकर रख लें और तैयारी भी आप शुरू कर सकते हैं। बहुत समय में ऐसा देखा जाता है कि जब सीज़न की शुरुआत हो चलती है और अब हम जब प्लान करते हैं कि हमें कुछ लगाना है तो हम बाज़ार जाना शुरू करते हैं, लेकिन वो समय काफ़ी महत्वपूर्ण होता है जब आप अपने घर में अपनी बगिया को एंजॉय कर सकते हैं। जहाँ एक और बाहर बारिश हो रही होती है वहीं आप अपने घर में बहुत सारे बीजों को लगाकर उनके पौध तैयार कर सकते हैं और इससे संबंधित जो तैयारी है वो अब समय आ चला है। मंद मंद हवा की यह बाहर एक संदेश देती है कि आने वाला समय काफ़ी अनुकूल होगा और इससे संबंधित जो तैयारी है वो अब आपको शुरू कर लेनी चाहिए। और ऐसा ही करते हुए जब हम चलते हैं तो आते धीरे धीरे करते करते एक सर्दी के समय की भी आहट हो चलती है और यह समय होता है हमारे पास 15 अगस्त के बाद का। वर्षाकालीन समय में बहुत सारी ऐसी चुनौती भी आती है जिससे कि हम लोग निपटा सकें, जैसे कि बहुत सारे कीड़े मकोड़े फंगस फफूंद डेवलप होते रहते हैं। तो कीड़ों के सुरक्षा के लिए जहाँ एक ओर साफ़ सफाई ज़रूरी है वहीं दूसरी ओर हम लोग फेरोमोन ट्रैप या स्टिकी ग्लू पैड, इसके अलावा लाइट ट्रीटमेंट, ये सारी इंतजाम को भी करते हैं। वर्षा काल के समय में ज़्यादा जल जमाव ना हो आपके बागवानी के क्षेत्र में, ये भी आप ज़रूर से ध्यान रखेंगे। यदि ज़्यादा जल जमा होगा तो वहाँ पर मच्छर जनित बहुत सारे ऐसे कीट हैं जो आकर वहाँ उपलब्ध होने लगेंगे, डेवलप होने लगेंगे और फिर वो आने वाले समय में नुकसान भी देंगे। तो आप ध्यान रखेंगे कि पानी जमा ना हो, और यदि पानी जमा भी हो रहा है तो उस पानी में आप बायो एंजाइम डाल सकते हैं और बायो एंजाइम डालने से बहुत सारे कीड़े डेवलप नहीं होते हैं। वर्षा काल के समय में यदि हम बात करें तो चुनौतियों का ही एक समय स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है। चुनौतियों की तैयारी यदि पहले से कर लें तो हम उन चुनौतियों से पार पा सकते हैं और इस संदर्भ में ज़रूरी होगा कि कीट व्याधि रोग फंगस फफूंद से आपकी सुरक्षा का इंतजाम पहले से होना चाहिए, न कि जब ये कीड़े लग जाएँ उसके बाद।
तो आप उससे संबंधित जो तैयारी है उस पर काम करना शुरू कर दीजिए, उन सारी तकनीक पर अमल करना शुरू कर दीजिए जिससे कि कीट व्याधि कम लग सके। तो इसका सर्वप्रथम मंत्र है कि आप जितना ज़्यादा अच्छा साफ सफाई अपने गार्डन में रखेंगे, आप देखेंगे कि आपकी बगिया में होने वाले चैलेंज और चुनौती कम होने लगी है। और इसके अलावा भी एक है कि बाहर से आने वाले तंत्र, जैसे बाहर से बहुत सारे कीड़े मकोड़े उड़कर बाहर आते हैं, तो उनको भी ट्रैप करने का भी तंत्र आपको डेवलप करके रखना होगा। पौधों को चलने के लिए अच्छे किस्म की सॉइल मिक्स, मिट्टी का मिश्रण बनाना भी ज़रूरी है, और इस मिश्रण में पोषक तत्व की उपलब्धता हो ये ध्यान रखेंगे। तो आपके पास यदि पहले से यदि आपने किचन वेस्ट का खाद बना रखा है तो उन खाद को भी सहेज कर रखिए और उनका भी उपयोग अपने बागवानी में कर सकते हैं। वही दूसरी ओर आपके पास यदि प्लांट रेजिड्यू है, जैसे कि अन्य जैसे लीफ कंपोस्ट है, तो इनका भी उपयोग आप अपनी बागवानी में कर सकते हैं। इसके साथ साथ एनिमल रेजिड्यू का भी कोई कंपोस्ट है तो आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि गोबर के खाद का, और ये पुराना होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर वर्मी कंपोस्ट भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है, तो आप इन सभी का इंतजाम अभी से करना शुरू कर दीजिए। मिट्टी यदि आपके घर में नहीं है तो आप मिट्टी लाकर उनकी तैयारी भी शुरू कर सकते हैं, और इसके साथ साथ नदी का रेत को भी लाकर आप अपने बागवानी में जोड़ सकते हैं। इन छोटे छोटे और सुलभ साधन से आप अपनी बगिया को सजाकर आगे बढ़ाइए और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके घर में बहुत सारी खुशहाली आने लगी है। खुशहाली के लिए ज़रूरी है कि आप ज़रूर से फूल वाले भी कुछ पौधे लगाइए, जो कि वर्षाकालीन चलते हैं और फूल सिग्नल कलर भी होता है, जिससे कि फूल रूप रंग गंध रस और उसके साथ साथ बहुत सारे प्रकृति के आयाम को भी जोड़ देता है, और प्रकृति इसी से चलायमान और खुशहाल होने लगती है और आपकी बगिया भी खुशहाली की ओर अग्रसर हो जाता है। हर किसी के घर में छत में एक छोटी सी बागवानी हो, जिसमें वो अपने घर के लिए अपने लिए सब्जियों को उगा सकें, और इस तरह से यदि हम लोग ध्यान रखेंगे तो ये पोषण वाटिका भी तैयार हो जाएगा, और पोषण वाटिका के तैयार होते ही आपका नज़रिया पर्यावरण के प्रति, प्रकृति के प्रति सजीव होना शुरू हो जाएगा। इस संदेश के साथ कि प्रकृति ही परमात्मा है, हम लोग पुनः उपलब्ध होंगे नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग भी बहुत ध्यान से रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर और नमस्कार।